गैया की आरती हमने अटेंड कर ली है और अब हम जा रहे हैं, भैया जी हमें ड्रॉप कर रहे हैं रास मंडपम में। तो चलिए हमारे साथ रास मंडपम। हरि बोल। राधे राधे। दोनों प्रभु जी, इसको पीछे एडजस्ट होना पड़ रहा है दूध के साथ। तो ये है हल्ले सिंह भैया जी टमटम वाले, जो हमें ड्रॉप कर रहे हैं रास मंडपम तक। जाना तो हमें श्री जी के मंदिर है, लेकिन हमने सोचा चलो पहले रास मंडपम जाते हैं और वहां रमेश बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी निकलने की, फिर हम उलझन में थे कि जाएं या ना जाएं, और जाएं तो कैसे जाएं। फिर भी हम नीचे उतरे, हमने गौ माता आरती अटेंड की। आरती शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा था, उतने में हमारा मिलन होता है हल्ले सिंह जी से, ये टमटम वाले भैया जी से। तो बातों बातों में पता चलता है कि ये भी रास मंडपम जा रहे हैं। इन्हें कुछ दूध की डिलीवरी करनी थी वहां पर, तो इन्होंने हमसे पूछा कि चलिए मैं वहां जा ही रहा हूं, अगर आप चाहें तो आप बैठ जाइए मेरी गाड़ी में, मैं आपको वहां तक ड्रॉप कर देता हूं। हम हैरान हो गए, खुश भी हो गए कि भाई हम तो उलझन में थे हम कैसे जाएं कैसे जाएं, और देखिए राधा रानी ने कितना प्यारा अरेंजमेंट कर दिया। गैया का चारा है ना यहाँ पे, गैयों का चारा है वैसे। यहाँ सानी बनती है साइड, ये देखो दाना मिलेगा, इसमें पानी मिलेगा, यहाँ से ऊपर वो दाना है उसे। ओके। गैयों के लिए अंदर दाना रखा है, वो उसमें से वो गिर रहा है दाना। बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हाँ, ये सब गायों के लिए खाना भी दलिया बनता है इनका। एटीएम जाना है क्या यहाँ पे, है देखिए राइट में। राधे राधे। आप जैसे दूसरे महीने में आया कोई, परसों तो महीना नहीं चला, जैसे अगर होली नहीं है, रंगीली नहीं है, राधाष्टमी नहीं है, उसके बीच में आज ना आराम से हो जाए, आराम से हो जाए। अच्छा अच्छा, क्या मेला के टाइम पे पहले से बुकिंग हो जाए। फिर भी कितने पहले करना चाहिए तो मिल जाएगा, अगर जैसे त्योहार वगैरह में आते हैं पे 20 तक दिन पहले लगा दो। अच्छा, ये किस चीज की खेती है? एक कटिया है गायों के लिए चरने के। गायों के लिए चरना, इनका कटिया करके भूसे में मिलता है दाने में। बढ़िया। मान मंदिर दिख रहा है। ये सामने। कुंड खोलो, राधा सरोवर है यहीं नीचे। नीचे धोनी कुंड है, जहाँ राधा रानी के पिताजी की गाय का दूध कड़ के इसमें रखो जाते। क्या नाम है? धोनी कुंड। धोनी कुंड। राधा सरोवर दिखा देंगे। ठीक है, नंबर आप मिलेंगे वापस से। ठीक है ठीक है, चलिए राधे राधे। तो हम गौशाला से निकले ही थे, आरती अटेंड करके हमें आगे चलना था श्री जी के मंदिर में। लेकिन हुआ ऐसा था कि मतलब प्रभु जी और हम लोग सब सोच रहे थे कि मतलब थोड़ा सा पैर में कल से थोड़ी थकान है, दर्द है, तो चलने होगा नहीं ज्यादा, ऐसे करके निकले थे इस भाव से कि थोड़ा सा थके हुए हैं, पता नहीं चल के जा पाएंगे। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, 1-2 किलोमीटर होगा श्री जी का मंदिर हमारे गौशाला से, लेकिन फिर भी एक हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे हम आरती अटेंड करने के लिए जहाँ वेट कर रहे थे, वहां पे हमें एक ये टमटम रिक्शे वाले भैया मिल गए, हल्ले सिंह नाम है इनका।
तो ये भैया जी ने मतलब हमें ड्रॉप कर दिया यहाँ तक। आधे से भी ज़्यादा रास्ता कवर हो चुका है, अब बहुत थोड़ा चलना है, शायद 5-10 मिनट। और रिटर्न आते हुए भी कह रहे हैं कि वो हमें पिक कर लेंगे और वापस से कहीं जहाँ भी दर्शन करने होंगे। और रास मंडपम में भी यहाँ यहीं रहते हैं वो, तो यहाँ के जो बाबा जी हैं उनसे भी हमारे दर्शन करा देंगे, प्रसाद पवा देंगे। और सारे अच्छे से आसपास में अगर दर्शन करना हो तो उनकी गाड़ी में बैठ के दर्शन हो जाएंगे। मतलब हम मन से सोच रहे थे कि पता नहीं चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, थके हुए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बंदोबस्त कर दिया कि अब हमें चलना ही नहीं पड़ेगा। तो ये है राधा रानी हमारी, जो ब्रज में सबका ख्याल रखती है। राधे राधे। Thank you.
राधा राधा राधा।